राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा हमीरपुर में किया गया, जिसमें प्रदेश के करीब 100 कवियों ने हिस्सा लिया। इस कवि सम्मेलन में हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, तथा इसमें देश के प्रसिद्ध कवि जगदीश मित्तल व हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कवि शक्ति चंद राणा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस कवि सम्मेलन में कवियों ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताएं सुनाकर उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया। कवि सम्मेलन में छोटे बच्चों द्वारा भी अपनी कविताओं की प्रस्तुतियां दी गई। कवि सम्मेलन के आयोजक व हमीरपुर राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि इस कवि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नवोदित कवियों को एक मंच प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस कवि सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कवि पधारे हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि इस हमारे कार्यक्रम से हिमाचल के साहित्य को उत्थान मिले व भविष्य में भी इस तरह के कवि सम्मेलन आयोजित किए जाएं। जिला बिलासपुर के जामली में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान हुई पत्थरबाजी में 3 लोग घायल हो गए हैं। जो ही दंगल समाप्त हुआ तो यकायक किसी ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे 3 युवक बुरी तरह से घायल हो गए हैं और दंगल में पूरी तरह से शोर शराबा शुरू हो गया। इस घटना में 3 युवक बुरी तरह घायल हो गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल बिलासपुर में पहुँचाया गया, जहाँ पर उनका उपचार करवाया जा रहा है। घायल युवकों में सुनील, राज, राकेश को चोटें आई हैं। हालांकि ये लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, किस बात को लेकर हुआ, इसके बारे में भी व्यापक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में आपसी समझौता भी हो गया है, लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, इस घटना ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहली बार धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, समय के अनुसार जो भी चीजें होगी उन्हें किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा की जनता ने बीजेपी को जनादेश जो दिया है उसका वे स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला है उसका वे सम्मान करते हैं और अभी मंत्रिमंडल की विस्तार की कोई जल्दबाजी नहीं है, फिलहाल बीजेपी को जीत का जश्न मनाने दीजिए। आईटीआई मंडी में चल रहा रोजगार मेला संपन्न हो गया है। रोजगार मेले के अंतिम दिन टाटा मोटर्स पतन नगर की ओर से साक्षात्कार लिए गए, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कंपनी द्वारा 200 युवाओं का चयन किया गया। रोजगार मेले के अंदर जानकारी देते हुए आरटीआई मंडी के प्रधान आचार्य शिवेंद्र डोगरा ने बताया कि 3 दिनों तक चले इस रोजगार मेले में अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा साक्षात्कार लिए गए, जिसमें 300 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जून में भी 5 अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय शूलनी मेले की तैयारियों को लेकर सोलन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने की। इस दौरान स्थानीय विधायक धनराव शांडिल और डीसी सोलन विनोद कुमार भी मौजूद रहे। शूलनी मेले को लेकर सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव पेश किए, ताकि मेले को और बेहतर और व्यवस्थित किया जा सके। इस मौके पर एडीएम सोलन विवेक चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में शूलनी मेले के दौरान करीब 31 लाख खर्च किए गए थे और 2018 में मात्र 21 लाख सांस्कृतिक संध्या पर खर्च किए गए थे। वहीं सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार शूलनी मेले को और व्यवस्थित और आकर्षक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मेले में जहां एक और बॉलीवुड के कलाकारों को बुलाया जाएगा, वहीं स्थानीय कलाकारों को भी मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार कुश्ती
आयोजित की जाएगी ताकि लोगों का बेहतरीन कुश्ती देखने का मौका मिल सके। उन्होंने बताया कि इस बार शूलनी मेले में देसी गायों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी ताकि किसान उनकी महत्ता को पहचाने और उन्हें पालने के लिए प्रोत्साहित हों।